था कि शायद रिश्ता पक्का हो गया, तभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था, लेकिन बीच में और प्रॉब्लम होना। अच्छा कहाँ लगे? सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत किस तरह से हो रही है देख लीजिए। अभी लगभग शायद 10 बजने वाली, नहीं नहीं 9:30 शायद बजी है ना, 9:30 बज गई है। और जैसे आपको बोला था कि अब घर भी जाना है, घर वालों को मिस भी कर रहा हूँ। और जैसे कि अभी तो हम लोग ये ईंटें बना रहे, थोड़ा सा गारा बचा हुआ है, देखो ये फिनिश करके निकलेंगे घर के लिए। हेलो गाइस, मैं ये बना रहा ईंट। ईंट बना रहा कि ईंट बना रहा है? पहले बता। वाह 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 वाह, कितनी प्यारी ईंट बनाई है। पंचायत को गए, पंचायत है क्या? उसको पंचायत देखने के लिए बोला था, पता नहीं क्या देख के आ गया। स्कूल देख के आ गए, स्कूल स्कूल चले हम। दाढ़ी बड़ी कैसे? आनी बड़ी, आनी बड़ी। कल्लू सामने कितनी काली है, इसमें कितनी गोरी दिख रही है। हाँ अरे सही है, तो खुद कैसे देखेगी? घर के अंदर पधार चुके हैं, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, चारा पानी मिल गया? क्यों उनकी हलचल नहीं बोल सकते क्या? क्यों नहीं पूछ सकते? अब यहाँ से तैयार होके निकलेंगे घर के लिए, ठीक है? चल पूरा आएगा। सो फाइनली गाइस, तैयार हो गया हूँ मैं। मैंने बोला था ना कि आज घर जाना है। इधर इधर आ, चलो रन कर, इधर रहने दे, खेतों में से जाने काम दे। नहीं नहीं बिगड़ी जाए फालतू, सब आठ दीजिए, चोरी से रख लो, कोई नहीं देखेगा। देखो जीजा जी बैग लेके आ गए। बैग बैग लेना है, रख के निमाड़ी में बोल रहे कि जब भी आने का मन करे आ जाना, मैं तुम्हें आई जाऊंगा। कि रिश्ते की जो बात चल रही है ना, तो वो लोग भी घर अभी कुछ दिनों में आने वाले हैं, तो घर भी थोड़े बहुत तैयारी करेंगे। फिलहाल तो अभी हम यहाँ से जाएंगे जामले, जामले थोड़ा रुकेंगे क्योंकि वहाँ भी जो रिश्ते की बात हो रही है, जो रिश्ता पक्का हो गया उसके बारे में कुछ ना कुछ तो पूछेंगे वो। देखो ये नागझिर में तैयारी हो रही है, जैसे 22 तारीख का तो आपको पता ही है, आज 20 तारीख का हो गई है। यहाँ पे रस्सी रस्सी के टांगी हुई थी, नाना ने तोड़ दी। हाय केशु, क्या चाल? नाना आया, नाना ये कौन है? नानिया हिंदानिया वन कम वाले जन का एक नानिया। हां चल नानिया, नानिया आ 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 चश्मा पहन ले कि कहीं भी पहन ले, चश्मा अच्छी दिखेगी। चश्मा की तारीफ करी भाई। भाई अरे मैं तो मुझे मोन नाचा भी कहीं गाड़ी कहाँ के लिए बता जरा। नई गाड़ी मैंने सुना, नई गाड़ी ले रहा। हाँ ले रहा दी। दीदी हाँ मतलब जीजाजी का फोन आया था हमारे पास कि नई गाड़ी ले रहा हूँ। कौन सी ले रहे फिर? बुलेरो। बुलेरो, ओह कांग्रेचुलेशन, जल्दी जल्दी लो, जल्दी जल्दी लो, मेरी बारात जाएगी उसमें गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी। काय को तुनो में काय को अभी यार काय को कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन तुम मन तो काय को, थैंक यू। तो गाइस थोड़ी देर से घर के लिए निकलेंगे। मैंने इधर अभी दीदी बना रही है चाय, बोल रही है अभी चाय। नली घर आ चुके हैं हम। स्कूल गया है तो स्कूल हम लोग तो घर आ गए। और इधर ना पड़ोस में ना हमारे इधर शादी, वहाँ पर तो मम्मी वहीं पर है, हम लोग आ गए। और बेटे तो हमें भी दिख नहीं रहे। तो गए सो, जरा जरा सा झुंड दिख रहा है ना वहाँ शादी। जरा घर आए, मम्मी भी घर नहीं, बिट्टू तन्नु भी घर नहीं, शादी है ना पड़ोस में, खाना वाना खाने के लिए गए हुए। ओ हो, ये क्या हो गया? अरे राम, मम्मी ने उतारी वगैरह कर दी थी, कितना अच्छा लग रहा ना। लेकिन नीचे नीचे की ऊपर ऊपर मम्मी ने भी नीचे नीचे की करी। मैंने वैसे मम्मी को बोला हुआ है जब शादी होगी ना तब अच्छे से करवाएंगे कलर वगैरह, लेकिन मम्मी टाइम पास करते रहती है, ऐसी मम्मी। फाइनली हम घर आ चुके हैं, अब मम्मी का वेट करते हैं, कब की आएगी मम्मी। टीवी कैसी हो?
अपने लायक खाने को कुछ नहीं है भाई साहब। मम्मी को मैंने बोला था चिकन बनाना, सेव वैसे सेव मेरी फेवरेट है। गुड जो माँ शादी चल रही है ना, तो गिफ्ट में देने के लिए मम्मी क्या लेके आए देखो। हाँ कॉटी इस... मेरी तन में कितनी प्यारी लगती है। खाना खाने गई थी? हाँ। कहाँ पे? आंगनवाड़ी में। आंगनवाड़ी में नहीं, वो दीदी की शादी हो रही है ना, वहाँ पे खाना खाने। कितनी प्यारी लग रही है ना दीदी की शादी। और दूल्हा भी आ गया। दूल्हा भी आ गया? अभी तो जिम रहे। जिम रहे? आपने खाना खाया? हाँ। क्या खाया? पूरी, लुट्टी और चावल और दाल। अरे इसका नाम कैसे क्या हो गया रे? चिंचल गया। भैया कहाँ है? भैया अभी वो वहाँ शादी है ना, और कुछ और नहीं है ना, वहाँ पे बेटा है। हैं? अच्छा। हम अभी जाएंगे। जाओ। जा? हाँ जा। जा ठीक है। फिर कहाँ से कोई लाया? हाँ 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 लाया। क्या बताता? अभी नहीं, बाद में शाम को। तुमने खाना खा लिया ना? है ना? तो क्या लाया? है कुछ है, सरप्राइज है। कैसे हो? वो सब अच्छे, आप कैसे हो? हम भी अच्छे हैं। आप लोग देखती हो? हाँ। कौन दिखाता है? काका, छोटे काका। छोटे काका दिखाते हैं? हाँ। अच्छा हाँ। है हाँ। जाओ फिर, जाओ दादी के पास जाए ना। काका का भी अंदर बाजू में। हाँ जाओ जाओ जाओ। अब तुम जाओ। कितनी प्यारी लग रही है ना। सरप्राइज वो देख नहीं सकते, सिर्फ उनसे बात कर सकते। हम आपकी बात करवा सकते उनसे? हाँ दिखा भी सकता हूँ आपको सरप्राइज। और ये देखो, इनको पैसे देते हो तो ये ऐसी हरकतें करते हैं। देखो पैसे से पैसा कमा के ले आया। देखो पैसा ही पैसा हो गया, पैसा ही पैसा। बिट्टू कुछ बोल नहीं रहा यार, मेरे को मिस नहीं करा? नहीं। क्यों नहीं करा? आप कुछ नहीं लाते? क्या नहीं कुछ नहीं लाते, इतना कुछ तो लाया हूँ। क्या तो दिया ही नहीं आप में से किसी ने? तो क्या चाहिए था? चॉकलेट। इसलिए नहीं कि आप लोगों के दांत सड़ जाते हैं। आज शाम को बुलवा दूंगा ना, या फिर आइसक्रीम। आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम ठंडी के टाइम चल रहा है। आइसक्रीम नहीं खाना, नहीं खाना। बड़ा बड़ा सरप्राइज है। बड़ा सरप्राइज चाहिए? इतना बड़ा सरप्राइज चाहिए? क्योंकि उसमें क्या रहेगा? चीनोले दाढ़ियाँ। अच्छा, इसके एक्सप्रेशन दिखाने। बहुत बोलती है मम्मी। बिट्टू तनु वहाँ पे जाके बैठ गया। ये आ गया, अब इसकी शिकायत शुरू हो गई भाई गाड़ी के लिए। हाँ बता, क्या क्या प्रॉब्लम लगी गाड़ी में? गाड़ी में काम ही नहीं करवाया किसने? गाड़ी धुआं कितना फेंक रही। तो मेरे को आता ही नहीं कुछ गाड़ी वाड़ी से। मैकेनिक के पास ले जाओ गाड़ी, बताओ वो तो खुद कर देगा। नहीं पिछली बार बता के देखा था, 3,000 रुपए लगवा के लाया था, कुछ नहीं हुआ था ना। हाँ तो एक काम करना, कल ले जाना। अपन काम पे जाएगा तो कौन करवाएगा फिर? उसको उधार करवा लेना। कल से काम लगे, इतने दिन से लगा नहीं काम? रोज जा रहा हूँ। मैं भाई तो बोलो कि फोन ही नहीं लगाया पैसों के लिए। मैं वही सोच की ऐसा क्या हो गया पैसों के लिए फोन नहीं करा हमने। हाँ फिर मुझे याद है कि शायद कमल का काम स्टार्ट हो गया होगा इस वजह से। 1400 रुपए का हफ्ता बैठा था। क्या क्या काम करा? ट्रैक्टर के साथ दोनों ट्रैक्टर चलाऊंगा। लग गई बहुत ज्यादा जोर से। निकलता है बता तो रहा, कहाँ लगे काम? वो बता कहाँ लगे? जोर से लग गए थे। ओ बापे,
लगना से कम रोड़े थारा केड़ा टेड़ा होने से ज्यादा रड़े संतोष भैया कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। हाँ वैसे आज शादी थी ना कल, मम्मी कमल बिट्टू तनु सब खाना खा के आ गए, और आज शाम को जो और आज जो दोपहर में खाना बना हुआ था वही है। देखो क्या बनाया था मम्मी ने, सेव की सब्जी बनाई थी नानू, खा लिया तुमने? हाँ। तो मैंने फिर बोला मम्मी खाना मत बनाओ, जो भी है वही खा लेंगे, और वैसे मुझे सेव बहुत पसंद है। हाँ तो मैं बात कर रहा था कि सब कुछ अच्छा चलते चलते कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, तो अच्छा ही नहीं लग रहा। सब लोग खुश हो जाते हैं, उसके बाद में वही सीन रिपीट होता है जैसे कि मैंने वो ब्लॉग डाला तो था, रिश्ता पक्का हो गया, फिर उस पर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। बाकी मैं भी खुशी खुशी से आया था घर, मम्मी को खुशखबरी देता, मम्मी ऐसा वैसा, फिर अचानक से फिर वही सीन हो गया जो शुरुआत में हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद रिश्ता पक्का हो गया, तभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था, लेकिन बीच में और प्रॉब्लम आ रही है, तो पता नहीं रिश्ता आगे पक्का होगा अभी कि नहीं। जहाँ पर मतलब रिश्ता देख रहे थे ना, उनकी फैमिली को तो सबको पसंद है, लेकिन रिलेटिव रहते हैं ना जैसे, शायद ये रिश्ता पसंद नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं रीज़न की वजह से, तो वही थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। जहाँ मेरा रिश्ता मतलब पक्का ही हो गया था वहीं पर, तो लड़की की फैमिली है, लड़की वो सब राजी है, बट कहीं ना कहीं उनके रिलेटिव मना कर रहे रिश्ते के लिए। पता नहीं क्या होगा, रिश्ता पक्का होगा कि नहीं, तो आप लोगों को वैसे ब्लॉग में मैं शेयर कर दूंगा। मैंने ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, जो जो जहाँ जहाँ भी दिक्कत हो रही थी ना वहाँ मैं गया भी, जो भी होगा मंजूर है, देखा जाएगा। ठीक है बिट्टू, आजकल थोड़ा सा ज्यादा ही सैड होने लग गया है, तन्नू को मजा आ रहा है। अच्छे से बैठो, चलो डायलॉग बोल रहा था मेरा। डायलॉग क्या डायलॉग? कुत्ते के सामने मत नाचना, मत नाचना। कुत्ते के सामने मत नाचना, कोई सोले देख ली क्या मूवी? आज क्या खाना है? चिकन टक्का। चिकन टक्का? चिकन टक्का नहीं, चिकन टक्का मेरा बिरयानी कब बनाएंगे? बना दूंगा कल या परसों बना दूंगा। ठीक है हाँ ठीक है, कल बना दूंगा। ये देखने के लिए बिट्टू बेटा सीरियल लगा दे दादी के, बैलेंस ऐसे ही जाएगा बेचारे। सीरियल दादी को सीरियल ही नहीं देखने देते। क्या चल रहा है ये? कौन सा कब से नहीं सीरियल देखे? बिट्टू देखने दिया करो बेटा दादी को, अपना बैलेंस ऐसे ही जाता है, पैसे ऐसे ही जाते हैं। एक कटोरी ले लो। कितने की कटोरी? 10 रुपए। ठीक है दे दो। ऐसे चिकन टिक्का बुलवा दिया इनके लिए मैंने, अभी खाएंगे। 10 रुपए। ठीक है थैंक यू। ये ज्यादा खाता भी नहीं और जिद तो ऐसे करता है सब खा जाएगा। चिकन टिक्का का नाम सुन के कैसे भागते आया है, कैसे भागते आया ये? इसको देखो
वाह वेरी गुड। पांच पांडव तो नहीं खाते? नहीं मैं नहीं खाता। एक ऐसा हमारे लिए निकाल नहीं खाता मैं, मन नहीं।